हेलो एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिल से। आज मैं एक टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि लौकी से बनेगी। इसको आप लौकी का टिक्की बोल सकते हैं। काफी इजी है बनाना और ये शाम के समय चाय के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी, लौकी की टिक्की। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक लौकी, जैसा आप देख सकते हैं ये मीडियम साइज से थोड़ा सा बड़ा है। तो सबसे पहले इसके ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट को कट करके निकाल देंगे और इसको छील लेंगे। जो पोटैटो कटर आता है तो उससे इसके छिलके उतार लेंगे। इस तरह से पूरे छिलके उतर जाने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, ग्रीन पार्ट नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके छिलके उतार लिए और इसको अब दो पीसेज करेंगे इस तरह से, और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे पानी से और फिर इसको घिस देंगे, ग्रेट करेंगे। तो इस तरह से बड़े जो छेद वाले होते हैं उसी तरफ से ग्रेट करें ताकि इसके लच्छे अच्छे बने, लच्छेदार ये घिस के निकलेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें घिस लेना है लच्छे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लौकी को, पूरे लौकी को घिस लिया इस तरह से। अब इसमें सारी चीज़ें मिलाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड करें, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया घिसा हुआ एक बड़ी चम्मच से अदरक। इसके बाद ऐड कर देंगे थोड़े से कड़ी पत्ते। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बड़ी चम्मच से चना दाल। तो ये कच्चा चना दाल है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। जब ये टिक्कीज खाएंगे तो मुँह में इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो चना दाल ज़रूर ऐड करें। तो इसके बाद मैंने टेस्ट के लिए नमक ऐड किया, तो अपने टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर दें। फिर इसमें ऐड कर देंगे बाइंडिंग के लिए राइस फ्लावर। तो यहाँ पे राइस फ्लावर उतना डालना है कि जितना कि इससे बाइंडिंग आ जाए, मतलब ये डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे तो वो बाइंडिंग लेवल आना चाहिए, उतना डालेंगे। तो आप अपने अंदाज से जितना बाइंडिंग लेवल आने तक उसको ऐड करें। यहाँ पर मैंने 4-5 चम्मच ऐड किया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और ऐड कर लेंगे। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से दबाते हुए। तो इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं ऐड करना है, जो ये लौकी का मॉइस्चर होता है, पानी होता है, उसी से ये बहुत अच्छा बन जाता है, बाइंडिंग लेवल आ जाता है। तो इस तरीके से मसलते हुए हाथों से इसको इस तरह से डॉ आप जैसा देख रहे हैं वीडियो में ऐसा बना लेंगे। और इसके बाद हाथों को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि ये चिपकेगा नहीं इसलिए हाथों को पहले क्लीन करेंगे और फिर इसको शेप देंगे टिक्की का। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद का साइज मोटा पतला छोटा बड़ा कर सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा पतला बनाएंगे तो काफ़ी क्रिस्पी बनता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पतला रखें। पतला इस तरह से टिक्की का शेप दे देंगे। आप चाहें तो यहाँ शेप अपनी मर्जी से जो पसंद है दे सकते हैं, मतलब इसको गोलाकार आकार में भी, बॉल जैसा भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने टिक्की का शेप दे के इसको बना लिया, सारे बना लिए जो भी मिक्सचर के, टिक्की का शेप दे दिया। फिर इसको आप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल पहले से ही रखा था गरम होने के लिए। हाई फ्लेम पे पहले तेल गरम करें और फिर जब इसमें टिक्की डालें ये, उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें ताकि ये बहुत अच्छे से अंदर से पके लौकी। और इसको इमीडिएट नहीं पलटेंगे, थोड़ी देर के बाद जब नीचे से ये पक जाए, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, सेट हो जाए नीचे वाला सरफेस, तब इसको पलटेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे से काफ़ी अच्छा सेट हो गया है और कुक भी हो गया है, पक गया है। तो इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और उलट पुलट करते हुए फिर इसको क्रिस्पी होने तक हमको पका लेना है। तो ये हमारा एक बैच तैयार है। तो आप देख सकते हैं जो कलर आया है इस लेवल तक हमको पका लेना है, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक हमको पका लेना है। मैंने इसको पैन से बाहर निकाला, तेल से बाहर निकाला और सेम प्रोसेस से सारे टिक्की को सेक लेंगे इस तरह से। ये बहुत ही टेस्टी लगती है चाय के साथ, शाम के समय तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको मतलब तला भुना खाने का मन करे चाय के साथ, तो ये बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स और जल्दी बनने वाला ये रेसिपी है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से मैंने दूसरा बैच भी तैयार कर लिया यहाँ पर। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही नई नई इजी वाली रेसिपी के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।